गणपति बप्पा जैसे कि आते हैं हमारे घर में, तो उससे पहले मतलब 15 दिन पहले से ही इतना एक्साइटमेंट रहता है कि ये करेंगे, इस बार कैसा थीम होगा, क्या करना चाहिए। हमारे घर में मतलब पूरा परिवार मिलके तो सब पूरी तैयारी करने लग जाते हैं, और गणपति बप्पा जब भी आते हैं तो फिर पॉजिटिविटी उसके पहले से ही आ जाती है। उनके आने से पहले ही सारा वातावरण एकदम पॉजिटिव हो जाता है, मन में उमंग भर जाता है, और लगता है कि जितने भी अभी चीज़ें कोरोना की वजह से सब पिछड़ गए हैं, खराब हो गया, अभी गणपति बप्पा आ गए हैं, अब सब सुधर जाएगा और सब अच्छा होगा। बप्पा की मूर्ति की बात करें तो किस तरह से चयन करते हैं, क्योंकि जब भी आपके घर पे बप्पा को देखते हैं तो अलग ही रूप हमेशा देखने को मिलता है, तो इस बार क्या किस तरह से देख कर आपने बप्पा की इस मूर्ति की चयन किया? इस बार का हम सभी लोगों की सोच ऐसी थी कि थोड़ा सा इस बार हम लोग जितना समाज को लेकर के घर में लेकर सब मतलब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काम को लेकर के, क्योंकि कोरोना की वजह से हमेशा सब लॉकडाउन कभी बंद सब डरे हुए हैं, तो इसीलिए लगा कि एक शांति दिमाग में रहे, पीसफुल वातावरण रहे। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हम लोगों ने बैकग्राउंड वाइट रखा है, वाइट कलर सफ़ेद जो कलर है शांति का प्रतीक है, तो गणपति बप्पा तो हमेशा उनको किसी भी प्रकार में किसी भी रूप में देखो वो हमेशा सुंदर ही लगते हैं। ये सारा पूरा डेकोरेशन पूरा कराया है मेरी भांजी है नीलम, तो उन्होंने पूरा इसको मतलब सजाया है गणपति जी के, एक एक कलर को, धोती का कलर ये होगा, उनकी चूड़ी का कलर ये होगा, तो वो सारा पूरा उसमें डेकोरेशन और एवरीथिंग मतलब पूरी सब लोग मिल करके किया है। तो संगीता जी, फैमिली का इसमें इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन आप कितनी इन्वॉल्व होती हैं इन सब चीज़ों में, डेकोरेशन से लेकर बप्पा के आने तक, उनकी पूजा अर्चना तक, क्या आप इन सब में इन्वॉल्वमेंट आपका भी होता है, आप भी समय देती हैं? बिल्कुल समय देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी काम होता है ना, तो सबसे पहले समय गणपति बप्पा के लिए है, और जो काम है उसको मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा माहौल है गणेश जी का कि इस समय जब हम जितनी भी अभिनेत्रियाँ हैं, हमारे को स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो गणपति जी तो आते ही हैं, लेकिन इनके आशीर्वाद पाने के लिए इंडस्ट्री के सभी लोग आते हैं, तो ऐसा ही माहौल बनता है कि हम लोग इसी बार गणपति में ही सब लोग एक साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या कुछ इसमें डेकोरेशन किया है, कि आप अपना आप अपनी पसंद को कितना रखते हैं कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी नेट पे हम लोग डिज़ाइन देखते हैं, और ये डिज़ाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे करते करते फिर एक ऐसा ये वाला जो डिज़ाइन है आज हम लोगों को पसंद आया, और इस थीम को लेकर के शांति का प्रतीक सफ़ेद कलर, इसको लेकर हम आगे बढ़े, मैं भी इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ पूरा। आपकी टोली कहाँ है इस वक्त? हमारी टोली आने वाली है 13 तारीख की शाम को, तो पूरे चाट पार्टी में हमारी पूरी टोली होने वाली है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आएंगे, और हर साल की तरह, पिछले साल तो नहीं कर सके थे, बट हर साल की तरह फिर से हम इस साल इसी जोश और उमंग के साथ चाट पार्टी, सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे, उनकी आरती गाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर चाट पार्टी करेंगे। कोविड के दौरान जिस तरह से सभी लोगों का जो वेट है वो ज़्यादा ही बढ़ता हुआ नज़र आया, लेकिन आपके वेट को देख कर कहा जाए तो किस तरह से आपने खुद को मेंटेन किया? शुरू में तो मैं भी नहीं कुछ कर रही थी, क्योंकि जिम बंद था, गार्डन बंद था, हम कहीं नहीं जा पा रहे थे, लेकिन 2-3 महीने के बाद मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं चलेगा, और बहुत आलसी होते जा रही हूँ, तो उसके बाद मैंने घर में ही अपने टेरेस के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया, और भगवान के आशीर्वाद से मैंने इस बार 14 किलो वेट कम कर लिया। और क्या कुछ फिल्मों को लेकर कैसे है, कौन सी फिल्म है अपकमिंग जो आ रही है, और किसकी शूटिंग में अभी समय आपको मिले? अभी जैसे 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, तो उस समय मुझे 2 फिल्म गिफ्ट में मिली, जिसकी शूटिंग हम जनवरी में करने वाले हैं, और उसकी तैयारी के लिए अभी बहुत सारे प्री प्रोडक्शन ये वो वर्क चल रहा है, जिसके प्रोड्यूसर है संजय सिंह जी, तो उनके फिल्म हैं, और बाकी 2-3 और भी साउथ की फिल्में हैं, जो 1-2 महीने में सारी चीज़ें लाइनअप होगी, आपकी आप लोगों के आशीर्वाद से, गणपति पापा के आशीर्वाद से। पवन कल्याण के साथ एक फिल्म है मेरे पास, तो वो मैं करने जा रही हूँ। अब मराठी फिल्म भी फर्स्ट मूवी होगी जो आप करने जा रही हूँ, उस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड, और मराठी लैंग्वेज में आप कितनी कंफर्टेबल समझते हैं, आप कितनी कंफर्टेबल है? जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, और हम लोगों को एक सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता था जो मराठी लैंग्वेज था, तो 5 महीने को लेकर उसमें बहुत ध्यान देती थी कि पढ़ना ज़रूरी है, तो इस बहाने मुझे मराठी आती है, पढ़ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, तो मराठी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। और इससे पहले मैंने 2 फिल्म, एक कामा कुर्ता भीमा और एक महिमा खंडोबाची, इसमें गेस्ट अपीयरेंस एज अ आइटम सॉन्ग भी किया है, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे है गाना, और एज अ लीड ये पहली फिल्म होगी मराठी,
जो मैं शादी के डायरेक्टर करण जौहर जो कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी जोन है, उसमें श्रेयस तलपदे से इनकी बात चल रही है, तो लेट्स सी जनवरी में हम जल्दी से फ्लोर पे जाएंगे। फंक्शन हो या कुछ भी हो, कपड़ों को लेकर लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, और खास करके आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कितना ध्यान देते हैं किस तरह की ड्रेसिंग होता है, कि फ्राइडेज पप्पा घर पे हैं तो क्या कुछ ड्रेसिंग होगा आपका, इस पर कितना ध्यान होता है? जैसे कि फेस्टिवल सीजन है और इसमें हम लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि सब लोग घर पे आएंगे, फैमिली भी है, बाहर के हमारे दोस्त भी हैं, तो मैं खास करके ड्रेस पे ध्यान तो देती हूँ, लेकिन मैं वैसा ड्रेस पहनती हूँ मैं जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँ। अगर मैं ज़्यादा हैवी पहन लूँ और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं 2 मिनट में निकाल दूँगी, फिर मैं उसको कैरी नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं सिलेक्ट वैसा करती हूँ जो ड्रेस लगे भी, ट्रेंडी है और कंफर्टेबल। कोविड के दौरान ऐसी कौन